गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डॉक्टर की सलाह। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में और उससे होने वाली बीमारी कोविड-19 के बारे में। अब दोस्तों, इसको नाम कोरोना वायरस इसलिए पड़ा है क्योंकि अगर हम इस कोरोना का मतलब होता है मुकुट ताज, और अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो देयर आर सर्टेन स्पाइक्स, इसको देखने में कुछ स्पाइक्स ऐसे होते हैं जो मुकुट की तरह लगते हैं, तो उसका नाम इसलिए कोरोना वायरस पड़ा है। दोस्तों, अब कोरोना वायरस का जो नाम था इनिशियली, इट वॉज कॉल्ड 2019 नोवल कोरोना वायरस या वुहान कोरोना वायरस। अब इसको WHO ने चेंज करके जो इसका नया नाम रखा है, दैट इज़ SARS-CoV-2, यानी कि SARS-CoV-2, और इससे होने वाली बीमारी को जो अब कहा जाता है दैट इज़ कोविड-19। इसका नाम SARS-CoV-2 इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो सार्स वायरस है, SARS वायरस से 96% तक सिमिलर है, तो इसको कोरोना वायरस 2 इसलिए SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। अब दोस्तों, ये वायरस जो कोरोना वायरस फैमिली हमारे लिए नई नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, इससे पहले भी आउटब्रेक हो चुके हैं जो 2002 में हुआ था, दैट वाज SARS, इसका आउटब्रेक हुआ था, और 2012 में MERS का हुआ था, और एक फ्लू वायरस है जिससे आप सभी परिचित होंगे, जिससे कॉमन कोल्ड होता है, वो तो लाइफ में एक आध बार सबको हो ही जाता है, तो ये सब वायरस उसी फैमिली को बिलोंग करते हैं और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही अफेक्ट करते हैं मेनली, जो आपको सांस लेने, फेफड़े, सांस की नली, इनको ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो और देखा गया है दोस्तों कि ये जो वायरस एनिमल्स के आते हैं, एनिमल्स के थ्रू जो ह्यूमंस में आते हैं, ये ज़्यादा विरुलेंट होते हैं, इन ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि जो SARS था या MERS भी था, तो दैट वाज फाउंड इन बैट के थ्रू वो कैमल में आए और कैमल से फिर ह्यूमंस में आए, तो उन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अब इसको भी जो SARS-CoV-2 जिस ये जो कोरोना वायरस जैसे है कोविड-19 डिजीज़ वाला, इसको भी बैट में देखा गया है, और एक मैमल है दैट इज़ पेंगोलिन, उसमें भी पाया गया है, तो माना जा रहा है कि ये वहीं से स्प्रेड हुआ है और इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं इसके इंक्यूबेशन के पीरियड के बारे में। अब इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है आपको इन्फेक्शन किसी पेशेंट को हुआ और उसके लक्षण आने में जो टाइम लगता है उसके बीच के टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ऐसा नहीं कि आज ही जो है इन्फेक्शन हुआ आज से लक्षण शुरू हो जाएंगे, इसमें ऑन एन एवरेज 5 दिन लगते हैं और ये और ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20-24 दिन तक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही इसके लक्षण शुरू होते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, अब इसके जो लक्षण हैं बिल्कुल कॉमन कोल्ड से मिलते हुए, वही आपके सर्दी, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, बुखार और बैकएक, हेडेक और नौजिया, और ज़्यादा सीवियर फॉर्म हो जाएगी निमोनिया, और ज़्यादा सीवियर अगर अटैक कर देगा, फेफड़ों को नुकसान पहुँचा देगा, तो ARDS इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएंगे, अगर ऑक्सीजन उनको नहीं मिलेगी तो दैट इज़ BP काफ़ी डाउन चले जाएगा, तो पेशेंट सेप्टिक शॉक में चले जाएगा। ये लास्ट की जो दो वजह हैं, सेप्टिक शॉक एंड ARDS, इसी से ज़्यादातर पेशेंट की डेथ होती है। पर ये जो लास्ट के जो दो सीवियर क्रिटिकल फॉर्म है, ये ज़्यादातर ओल्ड एज पेशेंट में देखी गई है, या फिर जिनकी बॉडी इम्यूनिटी पहले से डाउन हो किसी बीमारी के कारण उनमें, या स्मोकर्स में, ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों में देखी गई है। और इसके लिए जो टेस्ट करते हैं दोस्तों, वो है दैट इज़ रियल टाइम PCR टेस्ट, इससे ब्लड टेस्ट, ये इसके थ्रू उससे पता लगता है। और अब आते हैं दोस्तों इसके स्प्रेड पे, अब ये फैलता कैसे है, पर्सन टू पर्सन जो फैलेगा थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है आप कोई पेशेंट खांसता है या छींकता है या ज़ोर से बोलता भी है तो कुछ माइन्यूट ड्रॉपलेट्स निकलते हैं मुंह से, नाक से, उसमें वायरस होता है। ठीक है, अगर इस चीज़ का पेशेंट है तो वायरस उसमें होगा। वो अगर किसी जो है नॉर्मल पर्सन के आँख से, नाक से या मुँह से टकराएगा, वहाँ से एंटर हो जाएगा और उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। इस तरीके से ये पर्सन टू पर्सन फैलेगा। अब ये वायरस कुछ नॉन वायबल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उन पे भी जो है कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, वहाँ से भी अगर आपने इसको टच किया ऐसी चीज़ को, जैसे कि चेयर, टेबल, कहीं भी 8-10 घंटे सर्वाइव कर सकता है। तो अगर वहाँ पे आपने टच किया, आपके हाथों पे आ गया, वही हाथ अगर आपने अपने अपने मुंह से लगा लिए, आँख से लगा लिए या नोज साफ कर ली, तो वहाँ से आप अंदर जा सकता है और आपको इन्फेक्शन फैला सकता है। तो ये इसका मोड ऑफ स्प्रेड हो गया दोस्तों। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। अब ट्रीटमेंट एज सच, इसकी देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन, कोई अभी तक मेडिसिन नहीं बनी है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंशन है जिस पे आपको ध्यान देना है, और उसी से अगर आप ध्यान देंगे तो आप इस वायरस से बचे रहेंगे। अब प्रिवेंशंस में क्या क्या है कि जैसे मैंने बताया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो आपको सबसे पहले तो किसी भी क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना है जहाँ ये वायरस
आपको ऐसा लगता है किसी कंट्री में है और आप वहाँ पर विजिट करने सोचें तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, अगर आप बाहर से आते हैं तो आपको अपने हैंड वॉश प्रॉपर करने चाहिए। ठीक है, आप वॉश कैसे करने हैं वो आपको साबुन से और पानी से करने हैं और 20 सेकंड तक अच्छी तरह रगड़ रगड़ के करने हैं। साबुन से देखा गया है कि जो इसका वायरस की जो आउटर लेयर है दैट इज़ ऑयल बेस्ड, तो डिटर्जेंट से अच्छी तरह साफ़ कर देती है, मतलब वो वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता। तो आप अगर 20 सेकंड तक, 20 से 30 सेकंड तक अच्छी तरह मल के हाथ धोते हैं तो आपका काम हो जाता है, मतलब आप बच जाते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके पास सोप नहीं है, वाटर नहीं है, रास्ते में आप कहीं हैं, तो यू कैन यूज़ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र। ये आराम से मार्केट में छोटी छोटी स्मॉल पैकिंग आती हैं, मिलती हैं, आप जस्ट यू जस्ट स्क्रब योर हैंड्स को करा और आपका हो गया काम। ये चीज़ है। ऐसे ही अगर कोई पेशेंट है तो उसको, ऐसे पेशेंट जिसको नज़ला ज़ुकाम है उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको जब तक वो ठीक ना हो जाए, क्योंकि अभी जब तक प्रॉपरली डायग्नोज ना हो जाए इसको अपने घर में ही रहना चाहिए। और अगर बाहर निकलना भी पड़े तो मेक इट अ हैबिट, हैबिट क्या बल्कि तमीज़ की बात है कि आप जब खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो हैंकी रखें अपने मुंह के आगे, या आप कोई टिश्यू पेपर रखें, टिश्यू रखें, या अगर कुछ भी आपके पास नहीं है तो जस्ट अपना आम आप इस तरीके से ऐसे रख लें, सो दैट वायरस सामने वालों को या आसपास ना फैले, क्योंकि ये 3 से 6 फीट तक स्प्रेड होता है इसका और वो अफेक्ट कर सकता है कि वहाँ से फैल के ये अगर इतने रेंज में कोई और भी पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है तो उसके आँख नाक में और मुंह के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी ये वो कर सकता है। तो और अब जब ये आप टिश्यू पेपर, हैंकरचीफ या आप जो भी चीज़ मुंह को ढकने के लिए उसको प्रॉपर, यानी उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है। अब अगर आप उसको डिस्पोज नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये नॉन वायरल सर्फेसिस पे भी सर्वाइव कर सकता है, तो फिर वहाँ से भी इन्फेक्शन ये दूसरे को या आपको भी लग सकता है दोबारा से। ठीक है, किसी को भी लग सकता है घर में, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ माइनर प्रिकॉशंस की, वो ये हैं कि आप बाहर का खाना ना खाएं, ठीक है, और क्योंकि वायरस हो सकता है, और खाना अगर खाएं तो आप गर्म करके खाएं, क्योंकि ये वायरस 26-27 डिग्री पे सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो उससे बच जाएंगे आप। पानी पीना है, आप गुनगुना पानी पी लीजिए, आप इससे भी, आप पानी से भी आप एक प्रिकॉशन इस पानी वाले भी फॉलो कर सकते हैं। कपड़े आप अगर धोएंगे तो वॉश हो जाएगा, ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, सुखाएंगे 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा धूप में, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बच सकते हैं। तो अब दोस्तों बात आती है कि हमें इससे डरना चाहिए या डरना चाहिए, तो दोस्तों डरने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतनी अच्छी प्रिकॉशंस हैं, बॉडी इम्यूनिटी आपको है, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक वायरस पास्ट में आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 SARS वायरस, MERS वायरस, इनका इनका आउटब्रेक हो चुका है पास्ट में और उससे भी लोग मतलब निकल के आ चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि दिस इज़ द, मतलब कि अब कुछ हो ही नहीं सकता या बहुत ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ आपको अलर्ट रहना है। और ये सारी प्रिकॉशंस मैंने बताई, भीड़ में नहीं जाना, हैंड वॉश करने हैं, ये हैंकरचीफ और ये सब यूज़ करना है ड्यूरिंग स्नीजिंग कफिंग, ये सब तो आपको मेक इट हैबिट फॉलो करना ही करना है। अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो आप इससे बचे रहेंगे, आपको ये वायरस आपसे दूर रहेगा, तो आपको भी करना है। अब आते हैं दोस्तों इसके फर्टिलिटी रेट पे, जो इस वायरस का जो अभी तक का जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें फर्टिलिटी रेट है 2.4%, और जो SARS वायरस जिसका आउटब्रेक 2002 में हुआ था उसका जो था दैट वाज 9.6%, MERS जिसका आउटब्रेक था दैट वाज इन 2012 उसमें था से 36%, और जो अब एक नॉन कोरोना वायरस फैमिली को वायरस था इबोला वायरस, उसका दैट वाज ह्यूज फर्टिलिटी रेट उसका बहुत ज़्यादा था दैट वाज 40%। तो पास्ट में इससे भी ज़्यादा फेटल वायरसेस या वायरुलेंट बहुत ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाने वाले वो आके चले गए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है, पर बी अलर्ट, क्या ये सारी प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए और लोगों को भी बताइए, उनको भी गाइड कीजिए। और अगर आपको कोई वैसी मेडिकल एडवाइस लेनी है या आपको और ज़्यादा फर्दर, तो आप इसके लिए अगर कोई पेशेंट है तो ऐसे पेशेंट्स को RML हॉस्पिटल या सफदरजंग में ऐसे केसेस को देखा जा रहा है, ठीक, उनको मॉनिटरिंग की जा रही है, टेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो वो भी कराए जा रहे हैं, तो उसकी भी हेल्प ली जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम की रही होगी, कुछ आपको नॉलेज मिली होगी, इसको आप शेयर करेंगे, और अगर आप वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।